अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट टू द रीजनल एनाटमी, आवर न्यू टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज हिस्टोलॉजिकल एनाटमी। एज द नेम इंडिकेट, हिस्टोलॉजिकल एनाटमी इज बेसिकली आल्सो नोन एज माइक्रोस्कोपिक एनाटमी। मतलब उन स्ट्रक्चर्स की, उन टिश्यूज की स्टडी को हम हिस्टोलॉजिकल एनाटमी कह रहे हैं, जिसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। हिस्टो का वर्ड जब भी आएगा तो ये हमेशा टिश्यूज से कोरिलेट करेगा। तो स्टडी ऑफ एंटायर स्ट्रक्चर्स थ्रू द टिश्यूज एंड सेल्स इज नोन एज द हिस्टोलॉजिकल एनाटमी, इट इज़ आल्सो नोन एज माइक्रोस्कोपिक एनाटमी। नेक्स्ट टू हिस्टोलॉजिकल एनाटमी is the comparative anatomy. Comparative anatomy indicates that the word comparative means comparison between two species, ठीक है, study of similarities and differences of various species. दो species का comparison किया जाएगा तो उसे हम comparative anatomy कहते हैं। comparison में हम देखते हैं कि skeletal muscles human beings का कैसा है, like other animals का कैसा है, तो वो सारी studies comparative anatomy के अंडर आएंगी। and C stands for clinical anatomy. clinical anatomy में हमें पता है कि word clinical indicate करता है कि कोरिलेशन ऑफ स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन, फंक्शनिंग और स्ट्रक्चर का कोरिलेशन विद मेडिसिन, ठीक है। कोई भी एब्नॉर्मलिटी है स्ट्रक्चर में है या फंक्शनिंग में है, उसको ट्रीट करना वो क्लिनिकल एनाटमी में आएगा। और क्लिनिकल एनाटमी का अदर नेम होता है अप्लाइड एनाटमी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है रेडियोलॉजिकल एनाटमी। रेडियोलॉजिकल एनाटमी में बेसिकली वर्ड रेडियोलॉजिकल इंडिकेट कर रहा है कि रेडिएशंस यूज़ हो रही हैं। रेडिएशंस यूज़ हो रही हैं तो क्या होगा, इमेजिंग टेक्निक्स होंगी। इमेजिंग टेक्निक में हमारे पास आता है MRI है, ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है, सीटी स्कैन है, सीटी स्कैन में कंप्यूटराइज टोमोग्राफी से कहते हैं एक्सरे रेडिएशन हैं, ठीक है। रेडियोलॉजिकल एनाटमी बेसिकली बॉडी इमेजिंग टेक्निक्स होती हैं। इमेजिंग में मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होती है, सीटी स्कैन होता है और एक्सरे होता है। नेक्स्ट टू द रेडियोलॉजिकल एनाटमी इज द आर न्यू टॉपिक इज द सर्जिकल एनाटमी। सर्जिकल एनाटमी में क्या होता है कि एप्लीकेशंस ऑफ एनाटॉमिकल नॉलेज इन सर्जिकल डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, ठीक है, इसे हम कहते हैं सर्जिकल एनाटमी। एनाटमी की तमाम नॉलेज को हम यूज़ कर रहे हैं सर्जरी में, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स में और ट्रीटमेंट में। ट्रीटमेंट किस चीज़ का, वेरियस डिसऑर्डर्स का। किसी भी स्ट्रक्चर की डिजीज़ है तो हम उसे ऑर्गेनिक डिजीज़ कहते हैं। ऑर्गेनिक डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए जो नॉलेज यूज़ होता है उसे हम कहते हैं सर्जिकल एनाटमी। आफ्टर द सर्जिकल एनाटमी न्यू टॉपिक इज द एम्ब्रियोलॉजिकल एनाटमी। एम्ब्रियोलॉजिकल एनाटमी स्टडी ऑफ डिवेलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एम्ब्रियो टू अडल्ट, ठीक है। डे फर्स्ट से लेके अडल्टहुड तक तमाम स्टेजेस की स्टडी को हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल एनाटमी। दिस वॉज ऑल अबाउट द एनाटमी एंड इट्स ब्रांचेज। अल्लाह हाफिज़।